इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है। बेगूसराय में एक ट्रक के घर में घुसने से 8 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लोग अपने घर के बाहर बैठे थे जब तेज रफ्तार से आता ट्रक घर में घुस गया। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, जैसे आप देख सकते हैं, जो गांव वाले हैं, लाजमी है कि गांव वाले इस वक्त बेहद गुस्साए हुए हैं और उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी हुई है। श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, और क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमें, कैसे हुआ इस? दरअसल ये मामला बेगूसराय जिले का है। बेगूसराय में कहा जा रहा है कि सड़क किनारे जो बस्तियां रहती हैं वहीं पे ये घटना हुई है। दरअसल लोग शाम का वक्त था, अपने घर के नजदीक बैठे हुए थे, उसी वक्त एक तेज गति से ट्रक आ रही थी और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और जो वो ट्रक जो था वो साइड में जाके जो घर में था उसमें टक्कर मार देती है, जिसमें 8 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और 3 लोग जो है वो गंभीर बताए जा रहे हैं। उन्हें तुरंत ही एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरअसल अब गांव वालों में काफी गुस्सा है, काफी रोष है। गांव वालों ने NH-55 को जाम कर दिया है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बेगूसराय का जो रोड है, जो जहाँ ये जिस इलाके में एक्सीडेंट हुआ है, मैं बता दूं कि गांव NH के आसपास में ही बहुत सारी बस्तियां हैं और शाम के वक्त जो लोग हैं सड़क किनारे ही बैठ जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। और यही कारण है कि दुर्घटना में जो इतने लोग मारे गए हैं, कारण यही है कि ट्रक का नियंत्रण खोता है, लेकिन जो सड़क किनारे लोग बैठे थे वही इसके चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण 8 लोगों की वही घटनास्थल पर मौत हो जाती है। जी श्याम, और इसके अलावा कोई एक्शन लिया गया है ट्रक ड्राइवर के खिलाफ? कुछ आगे बात बढ़ी है? पुलिस की क्या किसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया है कि नहीं, कि वो भीड़ का मौके का फायदा उठा के शायद भाग भी गया है। लोग जो कह रहे हैं वहाँ पे अभी पता नहीं चल पा रहा है। ट्रक पूरी तरीके से सड़क किनारे चूंकि पलट गई है, पलटी हुई है, तो अभी पुलिस वहाँ मौके पे मौजूद है। लोगों में काफी रोष है तो पुलिस सुरक्षा भी कहीं ना कहीं अहम वहाँ मुद्दा बन गया है, क्योंकि जो लोगों में गुस्सा है वो ट्रक को आग भी लगा सकते हैं और यही कारण है कि भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहाँ किया गया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरीके से गांव में 8 लोगों की मौत अचानक हो जाती है, वो भी एक ट्रक के चपेट में आने से, तो लोगों का गुस्सा जाहिर तौर पे होना दिखता है और यही कारण है कि वहाँ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन ड्राइवर गाड़ी कहाँ की थी, कौन मालिक था, किधर से किधर जा रही थी, इसकी जानकारी अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस छानबीन कर रही है और ड्राइवर और खलासी जो थे वो शायद कहा जा रहा है कि वहाँ से फरार हो गए। जी श्याम सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है बेगूसराय से, ये हादसे की खबर आ रही है। एक ट्रक जो है तेज़ गति से आ रही थी और एक घर के अंदर, सड़क किनारे बनी एक घर के अंदर घुस गया। 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है।